हेलो स्टूडेंट्स, दोस्तों आज मैं पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करने वाला हूँ। आपको बताऊँगा कि क्या होती है पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर, क्या होती है इसके बाहर की आउटर लेयर और इनर लेयर। दोस्तों जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, मान लीजिए इस सेल के बीच में कहीं पर भी पोलन ग्रेन है और उसके बाहर एक जो लेयर होगी, ये जो कंटिन्यूअस लेयर देख रहे हैं यानी कि जो अंदर की साइड है, उस लेयर का नाम है इंटाइन, जो पेक्टिन और सेल्यूलोसिस से बनी होती है। इसको जनरली पेक्टोसेल्यूलोसिस भी कहा जाता है। इस इंटाइन के बाहर आपको एक और वॉल नज़र आ रही है, इस वॉल का नाम है एक्जाइन। एक्जाइन यानी कि बाहर की साइड जो लेयर है, ये लेयर डिसकंटिन्यूअस है। इस लेयर की खास बात यह है कि इस लेयर के ऊपर स्पोरोपोलेलिन नाम का एंजाइम होता है और वो एंजाइम किसी के भी द्वारा डिग्रेड आज तक नहीं किया जा सकता, इसलिए पोलन ग्रेन को फॉसिल के रूप में भी हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो छेद बच चुका है, इस छेद का नाम क्या है, जहाँ पे यानी कि ये डिसकंटिन्यूस है, इनका काम होता है कि यहाँ से पोलन ट्यूब निकलेगी, इसका नाम है जर्म पोर। जैसा कि लिख भी रखा है, एक्जाइन इंटाइन, एक्जाइन आउटर लेयर और इंटाइन अंदर की लेयर, ट्यूब सेल, ट्यूब न्यूक्लियस, जनरेटिव सेल भी है इसके अंदर, और जर्म पोर का काम है यहाँ से पोलन ट्यूब निकलेगी। वीडियो को सब्स चैन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।